ताला उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक मेहमान, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पप्पा की परियां रोस्ट पार्ट टू फनी स्टूपिड स्कूटी गर्ल टिग्रो फिशर। तो भाई साहब पप्पा की परियां के कारनामे देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे, और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और टिग्रो ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें, कमाल का रोस्ट करते हैं भाई। रोस्ट में तो मास्टर है, PhD कर रखी है भाई साहब। सही बात है। वीडियो देखते हैं और चलो जी वीडियो स्टार्ट। परियों के बारे में जो बिना पंख के कभी उड़ती नजर आती हैं, तो कभी स्कूटी से दूसरों को उड़ाते हुए, जो कभी रास्ता भूलती नजर आती हैं, तो कभी खुद से रास्ता बनाते हुए। भाइयों बहुत पापा की परियां हैं जिनको लोगों ने बेड़ियां लगाकर तक रोकना चाहा, मगर जहां इनको अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार नहीं रोक पाई, तो ये तुच्छा सा बेड़ियां क्या रोकेगा। ये तो सच में ही बड़ी है। पापा की परियों में ड्राइविंग स्किल्स ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके लिए ये बहुत संघर्ष करती है, जिसकी शुरुआत होती है स्कूटी को स्टार्ट करने से। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा ये किक नीचे को मार रही है या ऊपर को, इतना तो किक भी नहीं उछल रही जितना ये पापा की परी उछल रही है। भाई इससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह तो किक ये पापा की परी मार रही है। हाँ भाई सिर्फ किक ही मार रही है, स्कूटी स्टार्ट इससे भी नहीं हो रही, लेकिन इसमें इस पापा की परी की कोई कमी नहीं, सारी कमी है जूतों की, इसलिए पापा की परी जूते उतार कर चप्पल पहन के किक मारेगी। भाई ये तो कुछ भी नहीं, इस पापा की परी ने तो सारी हद ही पार कर दी, ये तो किक को छोड़कर मेन स्टेट में ही किक मारने में लगी हुई है। भाई स्कूटी स्टार्ट करने के लिए पापा की परियों को ठीक उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना इन्हें 100 सेल्फी लेने के बाद एक फोटो सिलेक्ट करने में। बस यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से कंपनियों ने स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट देना अनिवार्य कर दिया है। जब आप स्कूटी चलाते हैं तो आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, इसलिए आप विकल्प को मिरर में देख के लेफ्ट और राइट टर्न ले सकते हैं। ये है पापा की परियों का राइट टर्न, ये है पापा की परियों का लेफ्ट टर्न। हमारी स्कूटी में 2 टाइप्स की ब्रेक होती है। भाई ब्रेक चाहे स्कूटी में 2 की जगह 4 लगा दो, ब्रेक तो पापा की परियां अपने नाजुक पैरों से ही लगाएगी। ये मेरा सजेशन है कि आप दोनों पैरों का एक साथ यूज करें, लेकिन भाई ये ब्रेक भी अचानक से नहीं लग जाते, स्कूटी की ब्रेक लगाने के लिए पापा की परियां 2 किलोमीटर पहले से ही पैरों में पहने जूते चप्पलों को घिसना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पापा की परियां भी जानती है कि अगर वो 2 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना शुरू करेगी तभी मंजिल तक पहुंचने पर स्कूटी सही सलामत रुक पाएगी, और इस दौरान इन पापा की परियों के सामने अगर कोई बंदा आ जाए तो बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई ना सिर्फ स्कूटी, इनके हाथ में साइकिल भी आ जाए तब भी ये ब्रेक नहीं लगाती, दूसरों की लगा देती है। पापा की परियों के सामने कोई भी वाहन आ जाए, कोई भी, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कार हो, बस हो या फिर ट्रक। जब ये स्कूटी पर सवार होती है तो सबसे बड़ी हेवी ड्राइवर यही होती है। अबे इंडिकेटर बंद कर ले पापा की परी। और पापा की परियों का हेवी ड्राइवर बनने का सफर शुरू होता है स्कूटी चलाना सीखने से। नॉर्मली लोग स्कूटी चलाना सीखते हैं और पापा की परियां स्कूटी उड़ाना। इनको स्कूटी सीखने की इतनी जल्दी रहती है कि ये एक ही दिन में हेवी ड्राइवर बन जाना चाहती है। आज इन्होंने स्कूटी सीखना शुरू किया, अगले ही दिन ये व्यस्त रोड पर निकल पड़ती है। नॉर्मली लोग कोई भी व्हीकल चलाना सीखने के लिए पार्क या
खाली रोड की तलाश करते हैं, लेकिन पापा की परियां कोई भी व्हीकल सीखने के लिए खुला रोड छोड़कर डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी जगह में से ही स्कूटी निकालने का प्रयास करती है। बस इनकी इस एक दिन में स्कूटी चलाना सीखने की लालसा की वजह से कोई इनके पीछे बैठकर स्कूटी सिखाने को तैयार नहीं होता। वो पीछे से ही स्कूटी पकड़कर स्कूटी सिखाने में इनकी मदद कर देते हैं। और जो बंदा इन पापा की परियों को स्कूटी सिखाने के लिए पीछे बैठने को तैयार हो जाते हैं, उनकी हालत ये हो जाती है। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ उन लोगों को जो इन पापा की परियों को स्कूटी या बाइक चलाना सिखाने के चक्कर में अपनी जान की ही बाजी लगा देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा इनके झांसे में आ जाता है, कुछ बंदे स्मार्ट भी होते हैं, वो सही समय पर अपने आप को स्कूटी से अलग कर लेते हैं। और भाई जैसे तैसे करके अगर ये पापा की परियां थोड़ा बहुत स्कूटी चलाना सीख भी ले, फिर ये नॉर्मल ड्राइवर नहीं बनती, ये डायरेक्ट हैवी ड्राइवर बन जाती है। और फिर स्कूटी पर खड़ी होकर भाई कोई स्कूटी को मेन स्टैंड पर खड़ी करके अगला पहिया उठाने की कोशिश करती है, तो कोई स्कूटी के पिछले टायर से सर्कल बनाने की कोशिश करती है, कोई खाली रोड पर बिना मतलब दूसरे की बाइक को उड़ा देती है, तो कोई स्कूटी को ही गोलमाल मूवी की बाइक बना देती है। भाई इनकी इस हेवी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इनकी स्कूटी भी इनसे इतना नाराज हो जाती है कि खुद से ही ये कहते हुए चल पड़ती है, भाई उड़ाओ मुझे उड़ाओ, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। और भाई इनका दिमाग वो तो भाई भाई कमाल है, भाई कमाल है। मतलब भाई जहाँ इन्हें स्कूटी दौड़ाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ ये स्कूटी फुल स्पीड में दौड़ाती है, और जहाँ सच में स्कूटी दौड़ाने की जरूरत होगी वहाँ स्कूटी छोड़कर खुद ही दौड़ पड़ेंगी। जहाँ पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी वहाँ पीछे देखेंगी, और जहाँ सच में पीछे देखने की जरूरत होगी वहाँ पीछे मुड़के नहीं देखेंगी। मतलब आखिर तक बंदी ने पीछे नहीं देखा, जबकि तमाम स्पेस मौजूद था स्कूटी निकाल कर आगे से ही जाएगी। भाई उस पापा की परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी स्कूटी इनसे इस कदर नाराज रहती है कि इनके साथ राइड करना तक पसंद नहीं करती, वो अकेले ही चल। और भाई कुछ पापा की परियां ऐसी भी होती हैं जो स्कूटी चलाना नहीं सीख पाती तो बाइक की आवाज पर ही वीडियो बनाकर काम चला लेती हैं। लेकिन अफसोस, रियल लाइफ छोड़ो, रियल लाइफ में तक इनसे स्कूटी नहीं चल रही। आखिर सस्ती एक्टिंग वाले टिकटॉक ये जो ठहरे, पापा की परियां लगी हुई हैं दोनों हाथों से एक्सीलरेटर देने में। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी स्कूटी बनाने वाली कंपनी आ गई जो एक के बजाय स्कूटी में दो दो एक्सीलरेटर दे रही है, जो ये लगे हुए हैं दोनों हाथों से एक्सीलरेटर देने में। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी वीडियो खत्म हो गया, और क्या बात है, दूसरे वाले भाई ने तो कमाल कर दिया। अरे भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इतनी हंसी भाई साहब, पापा की परियां तो भाई होती है ऐसी है, कमाल कर देती है, नाजुक सी होती है, अपनी छोड़ के दूसरे वाले ऊपर से लोग जा रहे हैं। सीना सोरी दिखा रही थी कि मैं लड़की हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अरे भाई देखो तो सही, पहले गाड़ी की और सवाल बन रही थी। इस तरह का केस तारक भाई के साथ भी एक दो मरतबा हो चुका है। अच्छा भाई इस तरह का सीन पप्पा की परियों वाली। अच्छा भाई
ये कंपनियों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, ये सेलेब स्टार्ट होनी चाहिए। सही बात है। चलो कंपनी कौन से तरीके लगा रही थी स्टार का, वो जूते उतार के जो लगा रही थी बीजे बूट के अंदर खराब का चप्पल पहनी थी और एक तो पता नहीं वो मजे ले रही थी वो टांग ना अच्छा ऊपर रख के टांग दूसरी उतार रही थी। अच्छा उठाने का वक्त था उस वक्त टांग जमीन पर थी जब ऊपर चढ़ जाती थी टांग उठा ये देख इसको टांग उठाने का बड़ा एक्सपीरियंस है वैसे राइट वाला इशारा लगाकर लेफ्ट वाला इशारा लगाकर राइट को जा रही है वो जो पार्किंग में से निकाल रही थी स्कूटी का वो कमाल ना सीधा ही है अभी थोड़ी सी जगह ली उधर से पीछे निकाल ले दो तीन मतलब पीछे वाली बाइक को पीछे किया फिर आगे से निकाला नाक की सीट पर चलती है ना सीधा सीधा चलती है वो कहता है भाई कि बंदा जब नहीं वो सीखता है ना स्कूटी चलाना तो बंदा सीखता है तो वो जो खुली एरिया में जाके सीखता है वो और ये छोटे से एरिया में सीखने गली के अंदर सीखना शुरू कर देते हैं और उसके जो बाइक सिखाने वाले होते हैं भाई स्कूटी चलाना कमाल है भाई उनका इतना बड़ा जिगरा वो 56 इंच का जो कहता है ना नरेंद्र मोदी वो वाला जिगरा लेकर भाई पीछे बैठते मौत के मुंह में बैठना होता है साथ लेकर वो भी नहीं एक जो बांध रही थी पीछे उतर ना जाए उसको यकीन था भी नहीं उतर जाना और कहीं भी उतर जाते थे और जो ब्रेक लगा के रोकने का वो तो टैलेंट भी कमाल का है करते करते वो ठोक देती इस तरह का टैलेंट तारक भाई हम लोगों ने भी शुरू में किया है वो साइकिल के अंदर जो पैर घुसेड़ना होता था ना रोकने के लिए तो मैं कहीं भी घुसेड़ देता है लगी सीधी तारक भाई को लगी सीधी नहीं मेरे तो इसको पता है कि वो कहीं भी अरे मैं भाई की बात कर रहा हूँ भाई हम भी वही कर रहे हैं भैया आपका रेट गंदा था हम तो उससे थोड़ा सा वो साइकिल की तरफ ले गया आज दिन वो चेले जो है ना वो थड़ से क्या कोई बात नहीं अच्छी बात है भाई और एक जो स्कूटी जो चला रही थी लड़की वो जनाब वो पीछे पकड़े जा रहा है और ऊपर से टेढ़ी हो रही वो हैंडल एक तरह और भाई साहब ये पप्पा की परियां बड़े कारनामे करती हैं बिचारियों को कभी कभी ये चलो काबिल भी होती हैं अच्छा वो जो स्टैंड किक को छोड़कर पीछे स्टैंड को वो असल में हल्का था ना वो आसानी से हो आसानी से ऐसा ही है और भाई बड़ा मजा आ रहा है कि पप्पा की परियों के कारनामे और भाई साहब अगर पप्पा की परी को स्कूटी पे देख लो तो भाई साहब वो ना ऊपर वाले को याद कर लिया करो अपनी मदद आपके तहत बचना है इनसे तो भाई बचना होता है दोनों हाथ वो ना दोनों हाथ खड़े करके ना असल में ना वजह ये कि ये ओवर कर जाती हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है इस वजह वो एक दिन चला रहे थे यार इसे भी कि हाँ मैं जो है ना हैवी ड्राइवर बन गई बहुत ही हैवी ड्राइवर हो जाती है तो ठीक है भाई बड़ा मजा है देख के वैसे भाई पप्पा की परियों से आप भी बच के रह करिए बिल्कुल और भी काफी पप्पा की परियां भी शायद देख रही हूँ और अगर आपने पप्पा की परियों के कारनामों के आप भी शिकार हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर मेरे ख्याल से जानबूझ के ऐसा नहीं करती है स्टंट करने की कोशिश करती है वो एक जो पांव नीचे बाइक लगा के नहीं इस तरह चक्री बनाते हैं चक्कर स्कूटी से बना रही थी शुक्र है उसकी टांग नहीं टूटी भाई और कुछ तो पप्पा की खड़ी के स्कूटी जो होती है भाई वो खुद ही चल जाती है इतनी खतरनाक स्कूटी भी उनकी हो जाती है तो ठीक भाई बड़ा मजा है देख के और पप्पा की परियां जो है ना वो उनका जो टैलेंट है ना पांव से वो 1 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगा नहीं तारक भाई वो जो पप्पा की परी बाइक छोड़कर पीछे दौड़ने लगी थी जहाँ जरूरत थी वो जो आपका पर्स वगैरह छीन कर लेकर जा रहे वहां स्कूटी दौड़ाने की जरूरत थी स्कूटी को खड़े कर दौड़ने लगी उसको पता था मुझे आता नहीं दौड़ाना तेज दौड़ा लेती तो ब्रेक तो लगनी नहीं थी उससे तो भाई मरना था इसलिए अच्छा है वो स्कूटी उधर रख के खुद चली गई उतने पैसे पर्स में नहीं है इलाज पर लग जाते सही है भाई अच्छी लगी वीडियो मिलते रहे वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दे अल्लाह हाफिज़।